वो पढ़ा लिखा है, उसके पास इंटरनेट है, वो हर चीज़ चेक कर लेता है। तो माँ बाप को भी और सोसाइटी को भी सोचना चाहिए कि बच्चों के सामने बेवकूफ़ी की बातें ना करें। सर एक क्वेश्चन ये, मोदी घराना लंबे समय से उद्योग में रहा है और खास करके देश की जो अच्छाई है, देश की अर्थव्यवस्था है, देश में बेरोजगारी है, इसके लिए भी काम किया। आज जो आपने वेलनेस सेंटर खोला है, वेलनेस सेंटर के बारे में आप मेरे पूज्य पिताजी, मेरी माँ जी, माता जी और मोदी नगर की भी उन्होंने स्थापना की। मोदी नगर को उन्होंने एक सनातन शहर के तरह बनाया और वहाँ पे बड़ा मंदिर भी बनाया, फैक्ट्रियाँ भी लगाई और हाउसिंग भी बनाई। 1976 में उनकी डेथ हो गई। 76 में मैं 27 साल का था। तो मोदी का नाम उसके बाद कई चीज़ों में ले लिया गया। इतना बड़ा खानदान था, उनके 3 सौतेले भाई थे और उनके बच्चे थे, खुद के भी 5 लड़के 6 लड़कियां थी। तो मोदी को लोग इस तरह से डिफाइन करें, वो ख़त्म हो गया। हर आदमी ने अपना अपना ब्रांड बना लिया। अब क्या है कि एक हमने नया ब्रांड बना, दिस इज़ द डिजिटल मोदी जो आप देख रहे हैं, उसको जिस तरह से लिखा गया है, इट इज़ द मोदी विद एम जो मदर वैल्यू, इट इज़ द मोदी विद द सूर्य जो सनातन है। तो ये हमारे फादर का ही सिस्टम था, बट वो उस समय था। आज के ज़माने में ग्लोबली हमारी कंपनी, मैं 25 साल से देश के बाहर रहा, मेरे फादर देश के बाहर गई एक ही बार गए, तो उनका जो जीवन था और मेरे जीवन में फ़र्क आ गया। अगर मैं जब मैं 75 साल में आ रहा हूँ, उनकी मृत्यु हो गई जब वो 73 के थे, तो उन्हें तो संन्यास लिया ही, उन्होंने तो कब सोचते, परिवार में उनका जीवन बीत गया। तो अब मेरा जीवन अलग है, मेरा परिवार सेटल्ड है, मेरे 3 बच्चे हैं, 5 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब सेटल है। तो अब ये जो ग्रुप है वो प्रोफेशनल चलेगा, उसमें एक ही मालिक है, 10 मालिक नहीं है। वो मालिक भी वो है जो कि सर्व करेगा अपने शेयर होल्डर को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कस्टमर को, अपने जो से भी स्टेक होल्डर जिसे कहते हैं, तो फिर मैं काम कर सकता हूँ। हमारे फादर का इतना बड़ा परिवार था, शुरू उन्होंने अकेले किया, 3 सौतेले भाई ज्वाइन कर गए 45 के बाद, 32 के, 13 साल बाद। उसके बाद चारों फैमिली के बच्चे ज्वाइन कर गए, 18 लोग ज्वाइन कर गए। वहाँ पे जो लड़कियाँ थी उनको कोई चांस ही नहीं मिला, मेरे तो 2 लड़की हैं, दोनों अपना खुद का संभाल करती हैं। तो मोदी जो फैमिली थी वो बिगड़ गई। अब सर रोजगार में कितना अंशदान रहेगा आपका? रोजगार ही रोजगार, ये जो वेलनेस है इसमें बहुत रोजगार है। फैक्ट्री में यदि 100 लगेंगे तो यहाँ 500 लगेंगे, 5 times रोजगार है फैक्ट्री से वेलनेस में। और यदि हम और भी बात करें योगा वगैरह में, तो इन्वेस्टमेंट में 20 times। तो वहाँ पे यदि 100 डॉलर लगाएंगे तो यदि 100 आदमी आएंगे तो वहाँ पे उसी 100 डॉलर से आप 2000 आदमी। तो ये जो सर्विस इंडस्ट्री है जिसको मैंने शुरुआत करी थी मोदी जरा से, तो वहाँ पे बहुत रोजगार बढ़ता है। बट वो जो रोजगार होता है उसमें यूथ आता है, उसमें पढ़े लिखे लोग आते हैं, उसमें रोजगार मतलब पुराना नहीं है, कोई खुदाई नहीं हो रही, कोई फैक्ट्रियां नहीं चल रही खाली। सर पतंजलि बाबा रामदेव ने भी वेलनेस के क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात कहा था, 5,000 करोड़। तो क्या आपका जो वेलनेस सेंटर है कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस भी रहेगी? बाबा रामदेव की बात मैं करना नहीं चाहता, वो कोई बिजनेसमैन नहीं, यदि वो बिजनेसमैन है तो मेरे से बहुत छोटे, यदि वो योगा टीचर है तो मेरे से बहुत बड़े, उनका आदर करता हूँ। मिल गए थे मुझे एक बार, बोले मोदी जी आपको बिजनेस करने दिया था, तो मैंने कहा रामदेव जी विद ऑल योर आदर से मैं आपको बताता हूँ, हमें बिजनेस मत सिखाइए, हमें योगा सिखाइए। तो योगा वाले बिजनेस करेंगे, अब बिजनेस वाले योगा करेंगे, जस्टिफाइड नहीं होगा, जस्टिफाई होगा बिजनेस वाले तो कर सकते हैं, हमें 100 के ऊपर जीना है। अब वो करेंगे तो कंपटीशन में देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है। आप एकेडमिक में भी आएंगे सर? मैं तो ऑलरेडी हूँ एकेडमिक, हमारा इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो सब में है,
देखिए योगा रामदेव अलग चीज है, आदि वो सदगुरु अलग चीज है, शिष्य अभिषेक अलग चीज है, उन्होंने पढ़ाई बनाई थी पिक्चर।